आपके अगर कोई मैनुअल्स नहीं है तो आप मैनुअल बना लीजिए, जैसे परचेज का मैनुअल बना दिया आपने, आपने एचआर का मैनुअल बना दिया, घर में बैठ के आपने कंसल्टेंट से फ़ोन पे बात कर लिया, आपके एचआर वाले ने उससे बात कर लिया, आपने बात कर लिया, तो आप एचआर का मैनुअल बना लीजिए। अगर कोई नहीं मिले तो आप हमको बता दीजिए, हमारे कंपनी में हम आपको एचआर के मैनुअल बना के दे सकते हैं, सेल्स का मैनुअल बना के दे सकते हैं, ब्रांच मैनेजर का मैनुअल बना के दे सकते हैं, आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लिख के दे सकते हैं, आपके सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस हम लोग लिख सकते हैं। तो आप हम लोगों को या हमारे जो रिव्यूअर है आप उनको कॉन्टैक्ट कीजिए, तो ये भी काम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो आपके उधर जो भी क्या कहते हैं मैनुअल्स नहीं है, वो मैनुअल बनाने का टाइम है। हमारे उधर काफ़ी मैनुअल है लेकिन वो पढ़ता बहुत कम है लोग, तो ये पीरियड है हमने कहा चलो आप सेल्स में हैं आप सेल्स मैनुअल पढ़िए, आप ब्रांच मैनेजर हैं आप ब्रांच मैनेजर का मैनुअल पढ़िए, आप रिव्यू है रिव्यू मैनेजर है तो रिव्यू मैनेजर का मैनुअल पढ़िए, आप रिव्यूअर है तो आप रिव्यूअर का मैनुअल पढ़िए कि रिव्यूअर कौन होता है, रिव्यू कैसे करना होता है बिजनेसमैन का, उसका क्वेश्चंस क्या क्या आता है, आपको क्या क्या चीज़ें याद करनी है। तो ये भी एक ज़बरदस्त, वो जो ब्रांच मैनेजर हो तो पिछले 2 साल से पढ़ा नहीं हो ब्रांच मैनेजर का मैनुअल, हमने भी कभी बोला नहीं होगा, उसने भी कभी पढ़ा नहीं होगा, उसके बॉस ने भी बोला नहीं होगा, तो माल तो बड़ा था तो वो पढ़ना ही है, और वो पढ़ के उसके अंदर अभी समझो वो ब्रांच मैनेजर उसके अंदर का 75 चीज भूल गया तो उसको याद आ रही हो, बाप रे तो मैं तो ब्रांच मैनेजर हूँ, मेरे को तो POLC करना होता है, पी एन ए प्लानिंग, वो मीन ओ एन ए ऑर्गेनाइजिंग, एल एन ए लीडिंग और सी एन ए कंट्रोलिंग। अरे बाप रे पिछले 6 महीने में ना मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं ऑर्गेनाइजिंग भी नहीं कर रहा हूँ, मैं लीडिंग भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कंट्रोलिंग भी नहीं कर रहा हूँ, तो ये उसको सडनली एनलाइटनमेंट होगा। तो जब ये लॉकडाउन के बाद जब ब्रांच मैनेजर आएगा वो एक नया डिफरेंट और बेटर ब्रांच मैनेजर बन के आएगा।